और बाल बाल बच गए लालू प्रसाद यादव मंदिर की सीढ़ियों से संभल कर उतर रहे थे, लेकिन बारिश की वजह से पैर फिसला और लड़खड़ा गए लालू प्रसाद यादव। लालू का बैलेंस जैसे ही गड़बड़ाया, साथ खड़े सहायकों ने थाम लिया, सबकी सांसें थम गई, लेकिन लालू यादव को गिरने से पहले ही बचा लिया गया। 3 साल बाद लालू प्रसाद यादव अपनी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेज प्रताप यादव के साथ अपने गांव गोपालगंज के फुलवरिया पहुंचे थे। इस दौरान लालू यादव ने फुलवरिया पंच मंदिर में पूजा भी की। पूजा करने के बाद लालू यादव सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे, तभी अचानक उनका पांव फिसल गया, लेकिन साथ में वहां मौजूद लोगों ने उन्हें संभाल लिया और गिरते गिरते लालू प्रसाद यादव बच गए। लालू यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर अपनी फुलवरिया की यात्रा के बारे में विस्तृत रूप से लिखा है। लालू ने लिखा कि अपने पैतृक गांव फुलवरिया पहुंच पुरखों को नमन किया, परिजनों और ग्रामीणों से भेंट के उपरांत बचपन के पलों को याद कर स्वयं को तरोताजा किया। पैतृक घर के आंगन स्थित माँ मरशिया देवी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कोटि कोटि प्रणाम किया। गाँव के माता दुर्गा मंदिर तथा गोपालगंज के थाबे मंदिर में पूजा अर्चना कर देश प्रदेश के सुख समृद्धि तथा अमन चैन की मंगल कामना की। हालांकि लालू यादव की इस यात्रा के दौरान विवाद भी हो गया, जब लालू यादव करीब 3 साल बाद अपने घर फुलवरिया और ससुराल गए। इसी दौरे पर जब वो थावे दर्शन के लिए गए तो बारिश होने लगी। फिर क्या था, हथुआ के SDO अनुराग कुमार लालू यादव को बारिश से बचाने के लिए खुद छाता अपने हाथ में थाम कर खड़े हो गए। ड्यूटी पर तैनात अधिकारी की किसी राजनीतिक दल के सुप्रीमो को इस तरह से देखभाल करने का जब वीडियो वायरल हुआ तो BJP भी इस पर हमला करने में पीछे नहीं रही। हालांकि विवाद को बढ़ता देख DSP ने आगे आकर इस पर सफाई दी और कहा कि लालू वयोवृद्ध नेता हैं और उनके पास भी हथियार था, इसलिए हथियार बचाने के लिए सुरक्षा के लिए उन्होंने छाता लगाया। आपको बता दें कि लालू यादव की गोपालगंज की यात्रा भले ही एक दिन की थी, लेकिन इस यात्रा से एक बार फिर खबरों में छाए हुए हैं लालू प्रसाद यादव। गोपालगंज से सुनील तिवारी की रिपोर्ट, बिहार तक।